रेखा ने कोविड-19 टेस्ट कराने से किया इनकार, घर को सैनिटाइज करने की भी नहीं दी इजाज़त। रेखा के सिक्योरिटी गार्ड के बाद दो हाउस हेल्प कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन लोगों के पॉजिटिव आने के बाद रेखा के बंगले को सील कर दिया गया है। बीएमसी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए इन सभी को कोविड सेंटर भेज दिया है। इसके बाद जब टीम रेखा के घर पहुंची तो उन्होंने टेस्ट कराने से मना कर दिया। खबरों के मुताबिक रेखा ने उन्हें घर में अंदर ही नहीं आने दिया। बीएमसी की टीम ने जब रेखा का कोरोना टेस्ट कराने के लिए पूछा तो एक्ट्रेस की मैनेजर फरजाना ने उन्हें अपना नंबर देकर बाद में बात करने के लिए कह दिया। बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक रेखा ने बीएमसी की टीम को अपने घर में सैनिटाइजर छिड़कने की भी इजाज़त नहीं दी। इसके बाद टीम ने रेखा के घर के बाहर ही छिड़काव करके अपना काम पूरा करने की कोशिश की। वाणी कपूर ने कहा, लंबे ब्रेक के बाद काम फिर से शुरू कर खुश हूँ। अभिनेत्री वाणी कपूर ने अपनी आगामी फिल्म वेल बॉटम की शूटिंग शुरू कर दी है। साथ ही उनका कहना है कि वे लंबे ब्रेक के बाद काम फिर से शुरू करने को लेकर काफ़ी खुश हैं। वाणी ने कहा, मैं ईमानदारी से कहूं तो लंबे ब्रेक के बाद काम फिर से शुरू होने को लेकर मैं बहुत खुश हूं। किसी को भी निश्चित रूप से अत्यधिक सतर्क रहना होगा और सभी एहतियाती उपायों को ध्यान में रखना होगा, पर जो भी हो एक नई यात्रा शुरू करने को लेकर मैं रोमांचित महसूस कर रही हूँ। आलिया सिद्दीकी का आरोप, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई ने मुझे थप्पड़ मारा। पिछले काफ़ी दिनों से नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी आलिया के बीच तलाक की खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं। तलाक देने से पहले ही आलिया ने नवाज और उनके परिवार पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। हाल में आलिया ने यह आरोप लगाया है कि नवाज के भाई ने उन्हें थप्पड़ मारा था। हाल में आलिया ने नवाज पर यह आरोप लगाया है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो नवाज के कई लड़कियों के साथ संबंध थे। उन्होंने बताया कि वो बच्चों पर ध्यान नहीं देते थे। उनके पति उनका नवाजुद्दीन रवैया बेहद ख़राब था और मारपीट भी करते थे। पिंक बिला की रिपोर्ट के मुताबिक आलिया ने कहा कि नवाज के दो तीन भाई बिल्कुल मेंटल किस्म के हैं, उनके पास दिमाग नहीं है और जिस माहौल में वो पले बड़े हैं उसमें वो ऐसे बन गए हैं। उनके परिवार में औरतों की कोई इज्जत नहीं होती है, वे जब चाहते हैं औरतों के साथ मारपीट करते हैं। पीएम की बॉलीवुड संघ मीटिंग में सुशांत क्यों रहा गायब, रूपा गांगुली के तीखे सवाल। रूपा गांगुली ने दावा कर दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया था। रूपा ने उसकी एक तस्वीर भी शेयर की है, लेकिन भाई उन्होंने इस बात पर सवाल खड़े किए हैं कि जब पूरा बॉलीवुड पीएम से मुलाकात करने गया था तब सुशांत वहाँ मौजूद नहीं थे। रूपा को ये बात कचोट रही है। वो ट्वीट कर कहती हैं, सुशांत पीएम के शपथ समारोह में मौजूद थे लेकिन वो उन तस्वीरों में नज़र नहीं आ रहे हैं जो दिसंबर 2018 से पहले या उसके आसपास ली गई थी। क्या वो उस मीटिंग में मौजूद थे? किसने बनाई थी ये लिस्ट? वहीं एक और ट्वीट में रूपा ने सवाल दागा, दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 के बीच पीएम ने कितनी बार बॉलीवुड से मुलाकात की? क्या उन मुलाकातों में सुशांत थे? पीएम और बॉलीवुड सितारों के बीच इन मीटिंग्स का आयोजन कौन करवाता था? पीएम से मिलने का एक प्रोटोकॉल है। मुझे पूरा विश्वास है कि सुशांत जैसा तेज और होनहार कलाकार को इस मीटिंग से दूर नहीं रखा जाता। सुशांत सिंह राजपूत के फैन की आदित्य ठाकरे और बीएमसी कमिश्नर से मांग, बांद्रा अपार्टमेंट में लेन का नाम सुशांत के नाम पर हो। सुशांत के फैन अभी भी अपने फेवरेट एक्टर के जाने से काफ़ी दुखी और भावुक हैं। अभी भी सुशांत के निधन की जांच मुंबई पुलिस अलग अलग एंगल से कर रही है। हाल में बिहार की एक रोड का नाम सुशांत के नाम पर रखा गया है और अब सुशांत के एक फैन की मांग है कि बांद्रा की जिस स्ट्रीट में सुशांत रहते थे उसका नाम भी सुशांत के नाम पर ही रख दिया जाए। सुशांत को लेकर एकता का पोस्ट, तुम शूटिंग स्टार हो, जब भी दिखोगे मांगूंगी बिस। एकता कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट को शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि वे जब भी आसमान में शूटिंग स्टार देखेंगी तो एक बिस जरूर मांगेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि वो शूटिंग स्टार सुशांत ही होंगे। एकता ने सुशांत के साथ अपनी तस्वीरों का कोलाज बनाकर शेयर किया और लिखा, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे सुशी, हम हमेशा मुस्कराएंगे और जब भी आसमान में शूटिंग स्टार देखेंगे तो बिस मांगेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो शूटिंग स्टार तुम ही हो, हमेशा तुमसे प्यार करती रहूँगी। 1984 सिख विरोधी दंगों पर फिल्म बनाएंगे अली अब्बास जफर, इस पंजाबी एक्टर से किया संपर्क। सुल्तान टाइगर जिंदा है और भारत जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में निर्देशित करने वाले अली अब्बास जफर ने 1984 के सिख विरोधी दंगों पर फिल्म बना रहे हैं। खबरों की माने तो अली अब्बास जफर ने इस फिल्म के लिए पंजाबी सिंगर व एक्टर दिलजीत दोसांझ से संपर्क किया है। बता दें, साल 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिखों के खिलाफ हिंसा भड़की थी। एक एंटरटेनमेंट पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक अली अब्बास जफर हमेशा से दंगों पर आधारित फिल्म बनाना चाहते थे और अब स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए उन्हें विषय मिल गया है। फिल्म को प्रोड्यूस करने के अलावा अली इसकी कहानी भी लिख रहे हैं। हालांकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि अली इस फिल्म का निर्देशन करेंगे या नहीं। टीवी शो इश्कबाज फेम श्रेनू पारिक को हुआ कोरोना, हॉस्पिटल में एडमिट।
टीवी एक्ट्रेस श्रेणु पारेख कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। एक्ट्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। श्रेणु ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर बताया कि वो कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाई गई, वो हॉस्पिटल में हैं और रिकवर कर रही हैं। श्रेणु ने लिखा, कुछ दिनों पहले मैं कोरोना पॉजिटिव पाई गई, अब मैं हॉस्पिटल में रिकवर कर रही हूँ। मुझे और मेरे परिवार को अपनी प्रार्थना में रखिए। मैं कोरोना वॉरियर्स की शुक्रगुजार हूँ जो इस डरावने समय में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। श्रेणु ने कैप्शन में लिखा, इतनी सावधानी बरतने के बाद भी अगर ये आपको हो जाए तो इस आदर्श राक्षस की शक्ति का अंदाज़ा लगाएं जिससे हम लड़ रहे हैं। प्लीज़ बहुत सावधान रहें और अपने आप को बचाएं। इस साल भी भारती के घर आएंगे पप्पा। भारती ने कहा, होता आ रहा है वैसा ही होगा क्योंकि मेरा घर हमेशा से इको फ्रेंडली गणपति आते ही आते हैं और मैं घर पर ही उनका विसर्जन करती हूँ, इसलिए मुझे बाहर जाने की टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन इस बार बप्पा के दर्शन के लिए लोगों का आना जाना ज़रूर कम हो जाएगा। वैसे भारती और हर्ष ने अपने नए शो फनहित में जारी की शूटिंग थाने में क्वारंटाइन होकर ख़त्म की है। मार्शल आर्ट्स स्टार करना चाहते हैं हनुमान का रोल, विद्युत के शो पर बताया। बॉलीवुड के एक्शन स्टार विद्युत जम्वाल ने हाल ही में मार्शल आर्ट सुपरस्टार टोनी जा के साथ बातचीत की। दोनों सितारे विद्युत के नए यूट्यूब शो एक्स रेड को लेकर के चलते रूबरू हुए। इस एपिसोड में दोनों सितारों ने मार्शल आर्ट, हाथियों और एक्शन मूवीज़ को लेकर चर्चा की। टोनी ने यह भी बताया कि वे भगवान गणेश और हनुमान से काफ़ी प्रभावित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वे रामायण में हनुमान का किरदार निभाना पसंद करेंगे। टोनी ने यह भी बताया कि थाई बॉक्सिंग कल्चर यानी मोय थाई भगवान गणेश और हनुमान से प्रेरित हैं। टोनी ने कहा कि थाईलैंड के लोग भी भगवान गणेश का काफ़ी मान सम्मान देते हैं। काम पर जाने से पहले ये लोग भगवान गणेश को आदर देते हैं और गणेश भगवान के लिए एक बहुत बड़ी सेरेमनी भी होती है। इस बारे में बात करते हुए विद्युत ने कहा कि उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है कि जब दूसरे देशों के लोग भारतीय कल्चर के साथ अपने कल्चर का जुड़ाव महसूस करते हैं।